वो रहा नकली सब। अब और समय नहीं है मेरे पास। तुम्हें जो मैंने काम दिया था वो पूरा हुआ कि नहीं? जी भैरानी, कालों की सारी पौराणिक किताबें पढ़कर मैंने पता लगा लिया है कि उस उद्वंशक की वो क्या है, कमजोरी। ये इत्र भैरानी, ये इत्र कालों में पाए जाने वाले खास नागकनों के फूलों का रस। नन्नी उंगली की कसम भैरानी, एक एक बूंद मैंने अपने हाथों से पीस पीस कर निकाली, पीस पीस कर। सेवक तो तुम काम के आ जाता है, और कभी कभी काम अच्छे भी कर लेते हो। अब तुम जल्दी से काल लोक लौट जाओ और जाकर काल स्नान की तैयारियां करो। जल्दी ही लौटूंगी नन्हे बालवीर के साथ। गोपू सुतली, तुम लोगों ने कभी नाचता हुआ तरबूज देखा है? नाचता हुआ तरबूज? सुतली आज देखना, ये तरबूज कैसे सांप को देख के कूद कूद के नाचेगा, कूद कूद के। अच्छा। तो इनकी बैंड बजेगी, चल। बोलो नहीं सुनो, सब सुन लिया है मैंने। उस बेचारे चिंटू को तूने नाश्ता हुआ तरबूज बोला? सबको तंग करना हॉबी है क्या तेरी? नहीं नहीं मम्मी, मैं चिंटू जैसे क्यूट बच्चे को नाश्ता हुआ तरबूज क्यों बोलूंगा? और किसी को तंग करने तो मैंने आज तक नहीं सोचा। अच्छा हाँ, तो फिर ये हाथ में सांप लिए कहाँ घूम रहा है तू? क्यों घूम रहा है? इसे दूध पिलाना है। अगर मैं उद्वंशक होता तो चकमा देने के लिए छोटा हो जाता या रूप बदल लेता, मिलूंगा नहीं तो दिखूंगा भी नहीं। कहीं उस उद्वंशक ने नकली सांप का रूप तो नहीं लिया? सुनो नहीं, बोलो बोलो, पता क्यों तूने फिर से सांप पकड़ा वो? बोल। मम्मी मैं तो वो सांप फेंकने ही जा रहा था, चिंटू बेचारा वो वापस देखेगा तो वो डर जाएगा ना, इसलिए। अच्छा। अरे तुम फिर से आ गए, जान बचाने ही आए होंगे? नहीं। अरे चुप कर तू। किसकी जान बचाने हो? अरे चुप। सुनो दे, अच्छा हुआ तुम आ गए। तुम इसे समझाओ ना, मैं तो थक चुकी हूँ इसे समझा समझा के। इसे बालवीर की कुछ अच्छी अच्छी बातें सिखाओ, हाँ इसे सीख दो, ताकि ये लोगों को परेशान करने की बजाय उन्हें उनकी मदद करे। मम्मी पर बालवीर जैसा कुछ होता ही नहीं है, तो उसकी सीख कहाँ से होगी? तू चुप कर। देखिए देखिए आप चिंता मत कीजिए, मैं हूँ ना, मैं सब संभाल लूंगा। सच में? हाँ, लेकिन शुरुआत मेरे इस लड़के से करना, ठीक है? इसे समझाओ, इसे सीख दो, ठीक है? ओलो, मैं भी सलमान भाई की तरह आई मी और माई सेल्फ कहला और किसी की नहीं सुनता। वो सांप कहाँ है? कहाँ गया वो बदमाश उद्वंशक? कहाँ ढूंढूं उसे? अगर उसे उत्तराधिकारी मिल गया तो फिर इस दुनिया की रक्षा कौन करेगा? अरे मेघा जी, किसे ढूंढ रही है? मैं वो गिर पड़े, हाँ हाँ गिर पड़े तेरे प्यार।
चलते चलते यूं ही गिर जाता हूँ मैं. That is why I am गिर पड़े. वो इलायची में बिरयानी, मेरा मतलब है बिरयानी में इलायची मुझे पसंद नहीं. हाँ, बड़ी बिरयानी पका रहे हो आप आजकल. कौन मैं? नहीं तो नवरात्रि में कहाँ बिरयानी. हो ही नहीं सकती. नहीं, हाँ आ रहा हूँ. कोई मुझे बुला रहा है. नजर रखनी पड़ेगी. वो सांप कहाँ है? ओ हेलो भाई, क्या इंटरेस्ट हुए तुम्हें इस नकली सांप में? पहले मुझे ये बताओ, जब से आए हो हर चीज में पंचायती करते जा रहे हो, आखिर चक्कर क्या है? देखो, तुमसे बहस करने का ना ही मेरे पास समय है और ना ही धैर्य. मुझे बताओ कि वो सांप कहाँ है, क्योंकि तुम जिसे नकली सांप समझ रहे हो शायद वो नकली सांप ना हो. नहीं, ये हवा में नहीं किसको बोला, सॉलिड चादमा लगा है आपको तो. परी तारा को फिर से जागृत करना तो बहुत मुश्किल है. आपके पास इसका क्या उपाय है? उपाय मेरे पास है. किधर गया वो साहब? ऐसे घूर क्या रहे हो? इसलिए घूर रहा हूँ क्योंकि तुमसे ज्यादा अजीब इंसान मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखा. कभी पानी से बात करते हो, कभी हवा से बात करते हो, कभी तुम्हें नकली सांप असली लगता है. सांप के बारे में तो मैं तुम्हें तभी बताऊंगा जब तुम मुझे बताओगे कि तुम सच में हो कौन. हाँ, बताओ. ठीक है, अगर यही तुम्हारी इच्छा है तो तुम्हें देव नहीं बालवीर. उत्तराधिकारी को तोबा तोबा, लालच ही तुम्हारी सबसे बड़ी प्रेरणा है. सवाल काल बुहार ग्रह के मिलने का है. बालवीर का उत्तराधिकारी है तो सबसे ज्यादा तगड़ा होगा, आम बच्चों से ज्यादा हट्टा कट्टा होगा, शक्तिशाली होगा, पर वो होगा कहाँ शक्तिशाली लड़का तो कोई दूसरा हो ही नहीं सकता. ये तो ऐसा लग रहा है कि पूरा का पूरा कुतुब मीनार खा जाएगा. ये है, ये है. तुमसे कुछ पूछ सकता हूँ? नहीं, मैं अभी नाश्ता करने में बिजी हूँ. जिसके नाश्ते में 10 बच्चों का पेट भर जाए वही हो सकता है नया बालवीर. नाश्ता करो, नाश्ता करो. नाश्ता करना अच्छी बात होती है सेहत के लिए. ये लो. अरे वो फल छोड़ दो, ये मिठाई खा लो. खाओ 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 आराम से. अच्छा एक बात बताओ, क्या तुम्हें कभी ऐसा लगता है कि तुम दुनिया के रखवाले हो और तुम्हारा जन्म बहुत बड़ा काम करने के लिए हुआ है? हमेशा लगता है. मुझे लगता है बालवीर को हटा के मुझे ही बना देना चाहिए दुनिया का नया रखवाला. अरे हाँ, मेरे पास तो घर पे बालवीर का कॉस्ट्यूम भी रखा है. ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए. अब मुझे बताओ वो सांप कहाँ है. किसी को मत बताना.
ओ भाई, किसी को बताने लायक बात ही नहीं है ये। सब तुम्हें झूठा ही समझेंगे जो मैं समझता हूँ, क्योंकि बालवीर बालवीर कुछ नहीं होता। और रही बात साहब की, वो तो फेंक दिया। तो बताओ तुम्हारी माँ ने वो साहब कहाँ फेंका है? इन मजा की बुला लो, तुम्हारे लिए तो वो नकली साहब असली है, क्या पता शायद आ भी जाए। बालवीर के उत्तराधिकारी का हश्र तय करने का हक सिर्फ मेरा है, ना उध्वंसक का और ना ही खुद बालवीर का। इसलिए जो बीच में आएगा मरेगा। जागृत हो गई है परी तारा। कुछ कह नहीं सकते ज्वाला परी, लेकिन नए बालवीर तक पहुंचने का और कोई रास्ता नहीं है। उध्वंसक है तो साहब ही, पृथ्वी पर साहब को बिन मजाक ही बुलाया जाता है। से इस बदमाश लड़की की मदद लेनी पड़ेगी। एक बार मेरा उत्तराधिकारी मिल जाए फिर इस बच्चे से कभी नहीं मिलूंगा। तो नहीं बनी, अब जहां कहीं भी जल्द ही यहां आई। उस बीन की आवाज को सुनकर वो उध्वंसक जरूर यहाँ आए। तो ये इन लोगों की तरकीब है। चलो कभी कभी तो ये मंद बुद्धि अपनी बुद्धि का प्रयोग कर लेते हैं। इससे पहले तुम उध्वंसक लोगों तक पहुंचो, से रोकना होगा। चारों तरफ फैल जाओ अपन, चलो। परियो, उध्वंसक मेरी नजरों के सामने है, मेरे पास आओ। परियो,
परियो मुझे कवर करो ताकि कोई भी मुझे उद्वंशक को पकड़ते हुए देख ना सके। परियो, उद्वंशक मेरे कब्जे में, उसे यहाँ से दूर ले जाना होगा। तूने दिल से तो नहीं बुलाया लेकिन बालवीर आया, बहुत परेशान किया है तूने हमें, लेकिन अब तू मेरे उत्तराधिकारी का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा क्योंकि अब मैं तेरे सामने। बालवीर, तुम अकेले नहीं हो बालवीर। नेत्र परी, अब यहाँ तुम कमजोर हो रहे हो बालवीर, और ऐसे में मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकती। ये उद्वंशक बहुत शक्तिशाली है, हमें इसका मुकाबला मिलकर करना होगा। लेकिन सही कह रही थी नेत्र परी, ये इतनी आसानी से नहीं मरेगा, बहुत शक्तिशाली और जीत है ये। चिंता मत करो बालवीर, तुम ही तो कहते हो ना एकता में बहुत शक्ति है, हम दोनों को इसका मुकाबला करना होगा। अब मैं इस उद्वंशक को नहीं छोड़ूंगा।